हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताने वाले हैं कि आपकी लाइफ में ही प्रॉब्लम क्यों आती हैं और इनसे निपटना कैसे है। तो फ्रेंड्स, वीडियो पूरा लास्ट तक जरूर देखते रहेगा। और अभी हम आपको दिखाने वाले हैं फ्रेंड्स, हम अभी ये गोमती नदी के किनारे बैठे हुए हैं और अभी हम आपको दिखाते हैं इधर का नज़ारा जो है। ये आप देख रहे होंगे गोमती नदी, पीछे आपको दिख रही होगी और ये पीछे रिवर फ्रंट है। और यहाँ पर हम बैठे हुए हैं और आपको बताने वाले हैं कि कैसे जो है प्रॉब्लम से निपटा जाए। लाइफ में देखिए हर तरीके की प्रॉब्लम आती हैं। क्यों आती हैं और आप ही के पास क्यों आती हैं, इसका फ्रेंड्स रीज़न ये है कि जब तक देखिए, अगर आपको लाइफ में सक्सेसफुल होना है, और ईश्वर प्रॉब्लम इसीलिए देता है क्योंकि ऐसा आपने सोचा हुआ है। और जब आप ऐसा सोचते हैं तो आपके लाइफ में जब प्रॉब्लम आती हैं तो उससे निपटने के लिए, क्योंकि देखिए जब तक आपके प्रॉब्लम नहीं आएंगे तो उससे आप निपट नहीं पाएंगे। और जब आप निपटेंगे नहीं तो फ्रेंड्स आगे का जो सफ़र होगा उससे आप कैसे जो है निपटेंगे। तो आपके लाइफ में जो प्रॉब्लम आती है तो उससे निपटने के लिए हमेशा तैयार रहना होगा और उसका फेस करना है। प्रॉब्लम को हमेशा फेस करिए क्योंकि प्रॉब्लम हमेशा नहीं रहती है। तो इसीलिए अगर आपको लाइफ में सक्सेसफुल होना है और कामयाबी हासिल करना है तो प्रॉब्लम को फेस करना आना चाहिए। और आप देख सकते हैं कि पीछे पीपल का पेड़ है। देखिए, आप ये नेचर देख रहे होंगे, नेचर मतलब नदी है, पेड़ पौधे लगे हुए हैं और इधर भी पेड़ लगे हुए हैं, पीछे भी आप देख रहे होंगे। तो ये पेड़ जो है बिना किसी स्वार्थ के, जैसे मान लीजिए पीपल का पेड़ है तो इसमें कई सारे जो फल होते हैं ये अपने लिए नहीं है, ये नेचर के लिए है। नेचर का आप देखिए, इतनी महंगी महंगी चीज़ें, जैसे मान लीजिए आपको ऑक्सीजन मिलता है और इधर छाया मिल रही है पेड़ में, पेड़ के छाया में ही हम खड़े हैं क्योंकि आप देख रहे होंगे धूप है चारों तरफ। तो कहने का मतलब ये हमारे कि आपके लाइफ में प्रॉब्लम बहुत सारी आएंगी, लेकिन आपको करना क्या है, आपको लड़ना है उनसे। और जब आप लड़ेंगे और डट कर सामना करेंगे, आप अंदर अपने एक देने वाला भाव लाइए कि जैसे कि हमको ये नेचर, ये आसमान, ये प्रकृति, जैसे ऊपर आप देख रहे होंगे आसमान है, तो ये जो नेचर है आपको बिना कुछ मांगे, बिना किसी स्वार्थ के सब कुछ दे रहा है। तो आप समझिए कि आपके लाइफ में अगर प्रॉब्लम आती हैं तो क्यों आती हैं और इससे निपटने के लिए आपको ईश्वर ही प्रॉब्लम देता है। इतना सुंदर नज़ारा, इतना सुंदर प्रकृति, नेचर, सब कुछ आप ही के लिए तो है और आपके लिए है, आपको समझना होगा। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है कि प्रॉब्लम एक सक्सेसफुल इंसान के पास ही आती हैं और जब तक आएंगी नहीं तो आगे जो है, मान लीजिए आप सफल हो भी गए और अगर आपने प्रॉब्लम फेस नहीं किया तो धड़ाम से नीचे गिरेंगे। जब नीचे गिरेंगे तो फिर फ्रेंड्स वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए बढ़िया है कि लड़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए, लाइफ को आगे बढ़ाना है और इसी तरीके हर चीज़ को फेस करते हुए अपने लाइफ को कामयाबी हासिल करिए और लड़िए, निपटिए। और क्यों आती है प्रॉब्लम, इसलिए कि आप बेटर बन सकें और बेटर बनेंगे तो कामयाबी मिलेगी, कामयाबी मिलेगी तो आप लाइफ में अपने सक्सेसफुल होंगे। तो धन्यवाद साथियों, और इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पावरफुल वीडियो में। ओके, थैंक्स।